आपके रोजे से तुम्हारे अंदर तकवा आना चाहिए, रोजे के से तुम्हारे अंदर अल्लाह की बड़ाई आनी चाहिए और रोजे से तुम्हारे अंदर शुक्रगुजारी आनी चाहिए। वो नहीं आ रही है तो फिर हमने उसको मकसद को नहीं पाया। हमारे दादा रोज़ा रखा करते थे, साल में छः महीने रोज़ा रखा करते थे, हमारे वालिद रखा करते थे, हम रख रहे हैं, हमारे बच्चे रख रहे हैं, लेकिन नस्लें गुजर गई लेकिन कोई मुत्तकी नहीं हुआ। अल्लाह अकबर कह दो, वो बड़ा हो गया। अरे कोई नहीं कहेगा तो भी बड़ा है वो। तो उसने दीन दिया है, उस रब ने, उस अल्लाह ने हमको जो दीन दिया है वो नेमत का सही इस्तेमाल हो। अगर उसकी नेमत का सही इस्तेमाल नहीं किया तो उसकी कदर नहीं किया। साल भर में एक रोज़ा रख लो, पिछले साल के एक गुना माफ, अगले साल के एक गुना माफ़, सारे गुना माफ़, तो फिर क्या ज़रूरत है फिर रोजे रखने की, एक ही रख लिया करेंगे। तो पहली ईद कुरान की वजह से, दूसरी ईद भी कुरान की वजह से, तीसरी कोई ईद नहीं। और कुरान ने तो ये भी कहा कि जिक्र तो वही करेंगे अल्लाह का जो अकल वाले हैं, बेवकूफ़ तो कर भी नहीं सकता अल्लाह का जिक्र। कुरान के साथ करना, कुरान से करना, ये बड़ा जिक्र। जंग तो वक्ती होती है लेकिन ये ज़िंदगी भर का, रोज का, हर लम्हे का जिहाद है वो है कुरान के साथ करना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमईन। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यशर्ली सदरी व यस्सिरली अमरी व हलल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ इस हफ्ते वारी दरस कुरान के लिए जमा हुए हैं। इस मुख्तसर से वक्त में रमज़ान में जिहाद की तैयारी। हर साल रमज़ान आते हैं और कुछ बातें हम रमज़ान के मुतालिक करते हैं, बातें वही रहती हैं लेकिन कुरान कहता है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि याददानी कराते जाओ, याददानी ईमान वालों को नफ़ा बख्श होती है, उनको फ़ायदेमंद होती है, उनको फ़ायदा पहुंचाती है, उनको बार बार, इसलिए याददानी कराते रहो। और ये सारी चीज़ें जो हमारी इबादतें हैं, नमाज है, रोज़ा है, जकात है, जिक्र अस्कार है, ये इसलिए भी दिए गए हैं कि ताकि तुमको अल्लाह की याद रहे, तुम भूल ना जाओ। इसलिए हमको ये बार बार दोहराया जाता है कि तुम नमाज़ में अल्लाह का जिक्र करो तो ताकि तुम्हें याद रहे। तो हर चीज़ के अंदर हमको याददानी के लिए कहा गया, इसलिए बार बार बुलाया जाता था कि तुम याद रखो, तुम्हारा मकसद तुम समझोगे, तुम्हें काय के लिए भेजा गया। इस्लाम में जो बुनियादी चीज़ें हैं पाँच बताई गई, अरकान पाँच है। एक ईमान लाना, अब ईमान लाना तो अकीदे से ताल्लुक़ है, बाकी जो चार है वो जिसका ताल्लुक अमल से है, ईमान लाए तो फिर उसको अमल करना है। उसके अंदर नमाज, रोज़ा, जकात और हज, ये अरकान, चार अरकान हैं। वो कुरान के अंदर इसके, इन चारों के वसी माने हैं, यानी बहुत वसी माने कुरान में बताए हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद जो मुसलमानों की है इससे वाकिफ़ नहीं है कि इसके माने, इसके वसी माने क्या हैं, कि नमाज का माना वसी क्या है। फिर नमाज सलात को वो सिर्फ इतना ले लेते कि भाई पाँच तक वक्त नमाज पढ़ लेना, रोज़ा एक महीने रख लेना, जकात दे देना साल में एक बार, हज कर लेना ज़िंदगी में एक बार, यानी उसके वसी माने थे, वो वसी माने अक्सर लोग नहीं जानते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं उसके अंदर जो इसको कहते हैं कि ये सिरे से खारिज कर देते हैं, ऐसे लोग भी हैं, चंद लोग हैं, कुछ लोग हैं जो इसको खारिज ही कर देते हैं, बोले ये नमाज का मतलब ये पाँच वक्त की नमाज नहीं, रोज़े का मतलब ये वाला रोज़ा नहीं जो भूखे रहना है, ये जकात देने का मतलब ये नहीं है, हज का मतलब है, वो उन्होंने उसको कर दिया और बोले फिजूल बातें। ऐसे भी एक मुसलमानों के अंदर भी जो कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, ये भी कहते हैं। तो ये नमाज को मुख्तसर में, इन हमारा मेन मौजू तो रोज़ रमज़ान पे रोज़े पे रहेगा, लेकिन मुख्तसर इस अरकान के ताल्लुक से भी चंद बातें इसमें देख लेते हैं कि नमाज का असल मकसद ही क्या, और क्या नमाज सिर्फ वही है जो सिर्फ हमको कहा गया। यहाँ अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 37, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवदिन गैरी ज़ी ज़ैन इंदिका बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकिमुस्सलात। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हाजरा अलैहिस्सलाम और उनके लड़के, उनके औलाद जो थी इस्माइल अलैहिस्सलाम को, उन्होंने जब वहाँ पर बैतुल हराम यानी अल्लाह की जो जगह उनको जो अल्लाह ने बताई थी जहाँ पर काबा है, तो वहाँ पर उनको छोड़ा। और वहाँ पर छोड़ने के बाद फिर वो दुआ कर रहे हैं कि है हमारे रब, बेशक मैंने अपनी औलाद को बे आबाद घाटी में छोड़ा है जहाँ पर कुछ उगता नहीं है, तेरी हुरमत वाले घर के पास में इनको बसा दिया है, ये हमारे रब ताकि ये सलात कायम करे। किस लिए कि दुआ कर रहे हैं वो कि अल्लाह मैंने यहाँ पर
इनको छोड़ दिया है, इनको यहाँ बसा दिया है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, उगता कुछ भी नहीं, खेती भी नहीं है, ना पानी है, कुछ नहीं है, लेकिन मैंने इनको यहाँ छोड़ दिया। इसलिए छोड़ा ताकि ये नमाज कायम करे। अब अगर सलात कायम करे, यानी कि रब्बना ली कुल्ली मुसलात, कि वो सलात कायम करे, तो अगर सलात यही है, अगर हम इसको समझते कि सिर्फ नमाज है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो जमात के साथ में पढ़ लेना है यही है, तो फिर ये नमाज की बात नहीं है, क्योंकि ये तो फिर कहीं भी हो सकती थी। जहाँ से वो आए थे, जहाँ पर थे वो, तो वहाँ से तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर वो उस ज़माने में चलकर आए और वहाँ लाकर उनको छोड़ा है। एक तो अल्लाह का हुक्म था, दूसरी चीज़ ये भी ये नहीं थी कि अगर बात सलात की होती तो वहाँ भी कर सकते थे, इतनी दूर आके सिर्फ नमाज कायम करने के भी नमाज़ पढ़ना है यहाँ पर, इस वजह से तो नहीं है, तो नमाज़ तो कहीं भी पढ़ी जा सकती थी, उनके पास वो भी था, तो इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो सिर्फ नमाज वाली सलात वहाँ पर बात नहीं, किसी भी नमाज की बात हो, ये सलात जो वहाँ पर है वो निज़ाम वाली बात है, कि यहाँ से ये निज़ाम कायम करे, इस काबे को ये सेंटर बनाए, यहाँ से एक सिस्टम चले, तो ये सेंटर बसना ज़रूरी है, ये सेंटर वीरानी होना चाहिए, तो यहाँ से ये सेंटर बसेगा, यहाँ पर ये वीरानी नहीं होगी तो फिर यहाँ पर फिर ये यहीं से फिर पूरी दुनिया का निज़ाम यहीं से चलेगा, और चला है वहाँ से और रहेगा कयामत तक, वहाँ पर से निज़ाम चलना है। तो ये इसलिए था कि वो इसलिए सलात कायम का मतलब सलात कायम सिर्फ वो नबी वाली नमाज नहीं जो हम रुकू सजदे वाली बात, वो अपनी जगह है, लेकिन ये ताकि वहाँ पर से एक निज़ाम और एक सिस्टम वो कायम हो सके, और सिस्टम कायम करना और एक सेंटर होना ज़रूरी होता है। एक मुल्क आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब तक कि उसका सेंटर जो उसकी राजधानी है, जो उसका कैपिटल है, उसको फतेह नहीं किया जाएगा, फतेह नहीं मानी जाएगी, चाहे वो पूरी मुल्क पर उन्होंने कब्जा कर लिया हो, लेकिन फतेह तब मानी जाती है कि जब उसने उस किले को ले लिया जहाँ पर से उसकी सत्ता चल रही है, शासन चल रहा है, जो राजधानी है, जो कैपिटल है, तो कैपिटल होगा तभी जाके वो जीत मानी जाएगी, नहीं तो वो जीत नहीं मानी जाती। तो असल सबसे ज़रूरी है कि कैपिटल होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, तो सेंटर की वजह से तो कहा कि यहाँ पर से वो कायम करे, यानी कि यहाँ से निज़ाम कायम करे, उसका मतलब वो था, ना कि नमाज। तो सिर्फ पांच वक्त की नमाज नहीं है, नमाज हमारे लिए ज़रूरी है जो पांच वक्त की है, ये दीन का ज़रूरी लाजमी हिस्सा है, इसका तो हमको जवाब देना ही, ये माफ़ नहीं है। और कुछ ऐसे भी जो अरकान हैं, लोग ऐसे भी हैं जो इन अरकान को भी नहीं मानते, पाँच अरकानों को बल्कि नमाज को भी। इसके अंदर एक जो है हमारे हिंदुस्तान के, हालाँकि मुल्क में अलग अलग बहुत जगह एक फ़िरका है जिसको अहले कुरान कहा जाता है, इसके जो बानी थे हिंदुस्तान के अंदर अब्दुल्ला चक्रलवी, ये जो है ये मानते थे, ये नमाज को मानते थे, इन्होंने की किताबों में लिखा है, लेकिन आज इन्हीं के फिरकों के अंदर से जो फिरका अलग हुआ और उसमें से भी चार पांच फिरके हो गए अलग अलग, जिसमें से कोई कहता है कि नहीं पाँच, कुछ मानते हैं कि पाँच वक्त की, वो कहते नहीं तीन वक्त की है, कोई कहता है कि नहीं एक ही है, और कुछ कहते हैं ही नहीं, इसका तो मतलब वही नहीं, तो इनके अंदर भी बढ़ गए, तो इसमें भी फिलके हो गए, और ये हदीस को बिल्कुल नहीं मानते, पूरी हदीस का इनका एक हदीस को नहीं लेते, मान लेते बोले कुरान के अंदर सब आ गया, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नमाज इतना अहम और ज़रूरी हिस्सा है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 103 में अल्लाह ने फरमाया फ़ाइज़ कज़म तुम सलाता फ़ज़क़ुरुल्लाह क़ियामन व वक़ूदन व अला जुनूबिकुम, के ये जंग जिहाद की बात बताई, कि जंग जिहाद पहले पूरा तस्किरा इसके आगे फिर आयत नंबर 102 के अंदर फरमाया, फिर यहाँ पर फरमाया इसके अंदर कि फिर जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ, तो अल्लाह कौन सी नमाज से फारिग हो जाओ, कि वो जो जंग के अंदर जो नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है कि वहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी जंग के अंदर, वो उसका तरीका भी बताया गया कुरान के अंदर नमाज पढ़ने का, कि एक पहले एक रकात पढ़ेंगे सजदे तक, फिर दूसरी वो फिर हिफाजत में खड़े रहेंगे आधे लोग, फिर वो हट जाएंगे वहाँ से और फिर वापस आके वो दूसरी हो जाएगी दूसरी, और फिर वो कायम करेंगे, यानी वहाँ पर भी नमाज जंग के अंदर भी नमाज। तो उसके बाद कहा कि जब उस नमाज से फारिग हो जाओ तो अल्लाह को खड़े और लेटे होने की हालत में भी याद करो, फिर जब इत्मीनान हो जाए तो फिर नमाज कायम करो, बेशक नमाज अपने मुकर्रा वक्तों में मोमिन पर फ़र्ज़ है। यहाँ साफ कह दिया गया कि वो नमाज एक वो उसके बाद में फिर सकीनत आ गई, इत्मीनान आ गया, तो फिर वो नमाज जो असल है ये वाली नमाज फिर कायम करो, जो पाँच वक्त है हमारे, तो इसको फिर कायम करो, और ये फिर मुकर्रा वक्तों पर फ़र्ज़ है। इसके अंदर न कुरान में कोई कज़ा का अल्फाज या कहीं पे के बाद में पढ़ लेना, ये चीज़ें ही नहीं, ये इतनी मुकर्रर अल्लाह ने कुरान में इसलिए कहा, तो इसका जो वक्त है उस वक्त के बीच में ये फ़र्ज़ है। अभी जोहर से असर के बीच में जोहर की नमाज़ फ़र्ज़ है, असर से मगरिब के बीच में असर की नमाज़ फ़र्ज़ है, तो इसी वक्त के अंदर इसको पढ़ना लाजमी है, इसमें कज़ा वज़ा का ये चीज़ें नहीं, क्योंकि ये जंग में ये नमाज़ माफ़ नहीं है।
जबकि जान का खौफ नहीं है, जान का खौफ है वहाँ पर, जान चली जाएगी अगर ज़रा सा चुक गए तो वहाँ पर माफ़ नहीं है। तो फिर उस लिहाज से अगर हम दुनियावी ज़िंदगी में जब सकूनत से रह रहे हैं तो उसके अंदर कोई मसाइल नहीं, कोई चीज़ नहीं जिसके वजह से हमको नमाज कज़ा भी करनी पड़े। कुरान का तो ये कह रहा है, ये कुरान ये कह रहा है, तो कज़ा नहीं है। कसर हो जाएगी अगर सफ़र पर हो, कसर हो जाएगी अगर जंग पर हो, और कसर वो बताई कुरान के अंदर के जंग में किस तरह पढ़ना है, कसर से भी छोटी हो जाती है। लेकिन यह है कि क्योंकि वो जंग किसके लिए है, वो अल्लाह के लिए। ये नमाज किसके लिए है, ये नमाज भी अल्लाह के लिए है। तो यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है कि ज़िंदगी के किसी मसाइल के अंदर इसको छोड़ा जा सकता है, ये छोड़ा ही नहीं जा सकता, ये इतनी इसमें हो। तो ये सलात जिक्र खड़े और लेटे बाद में भी अल्लाह की याद को कायम करना है, और ये वक्त की पाबंदी के साथ में फ़र्ज है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी से इसको पढ़ लिया। तो पाबंदी के साथ में अगर निज़ाम आपने बनाया है तो उस निज़ाम के साथ में इसको पढ़ना है, निज़ाम के साथ पढ़ना है इसको। क्योंकि निज़ाम अगर आपने पांच वक्त नमाज का एक आपने सेंटर मस्जिद बनाई और मस्जिद के अंदर फिर उसमें जो वक्त रखा तो उस वक्त में इसको पढ़ना ज़रूरी है, ये इसका है बिला किसी शरी उज़्र के, लेकिन ये इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो ये है, और इतना फ़र्ज है कि सफ़र के अंदर हो तो वहाँ पर आपको छोटी कर दी गई हो, कसर कर दी गई आपके लिए, लेकिन ये है कि माफ़ नहीं है, पढ़ना ज़रूरी है और वक्तों के अंदर ही उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो ये हमको बताएगा। और फिर ये कहा कि अगर बाकी ऐसी भी जगह कि तुमको उसमें सुकून ही नहीं आ रहा, आपको सफ़र करना ही है 12 घंटे तक, सुकून नहीं है, तो ये सवारी पर भी फ़र्ज़ है। अब वो सवारी चाहे जानवर हो, चाहे बसेस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, वहाँ पर भी आपको इस वक्तों पर पढ़ना है। तो इसके लिए कोई गुंजाइश दीन में नहीं नमाज के लिए, तो ये इसको करना ही है। इसी तरह जो है ज़कात का, ये मुख्तसर में मेरे रख दिया नमाज के ताल्लुक से, अलग एक वसी उनवान इसके अंदर। यहाँ ज़कात के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 13 में, और उससे यह फरमाया कि वह हनन्ना मिलत दूना व ज़काता व काना तकिया के, और उसे अपने रब के पास से रहम दिली और ज़कात अता की। किसके ताल्लुक से है? जकरिया अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से। जकरिया अलैहिस्सलाम ने जब उनके औलाद नहीं, जब बूढ़े हो गए और जब उन्होंने दुआ की अल्लाह से, वो दुआ करते रहे, फिर अल्लाह ने उनको याह्या अलैहिस्सलाम की नेमत अदा की। तो यहाँ अल्लाह ने कहा कि हमने अपने पास से रहम दिली और ज़कात अता की। तो ज़कात का, अब ये ज़कात अता की, तो ये ज़कात से मतलब क्या? वो अल्लाह ने क्या वो 2.5% हिस्सा दिया, वो मतलब नहीं यहाँ पर। यहाँ पर ज़कात का एक माना तो वो है जो हमको देना है, वो तो लाजमी हिस्सा है दीन का, जो अरकान है। लेकिन ये पाकिजगी अता की, तो ज़कात का माना तो होता है एक तो ये भी कि अल्लाह की तरफ से ये पाकिजगा, एक पाकिजा शख्स, एक पाकिजा नबी हमने आपको अता किया, ये माना है ज़कात का। तो एक ज़कात का माना होता है पाकिजगा, पाकिजगी दूर करना, किसी चीज़ से गिलादा साफ़ करना। वो ज़कात का माना होता है बढ़ना, विकास करना, इर्तिका करना, ये ज़कात का माना है कि उसको बढ़ते जाना। तो ज़कात भी सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ अपने माल में से दे देना, ज़कात को भी सिस्टम उसका कायम करना, ये ज़कात है। तो इसका मतलब भी निज़ाम होता है, एक सिस्टम होता है जो आपको कायम करना है, सिर्फ इसका मतलब वो नहीं है। तो एक वो तो है अपनी जगह कि 2.5% आपको आपके माल में से देना है, लेकिन इसको कहे ऐसा भी करना है कि इसके लिए निज़ाम सिस्टम बनाना है ताकि ये ज़कात सही लोगों तक जाकर पहुँच सके। तो इसका भी मतलब है निज़ाम कायम करना ताकि सही लोगों तक, नहीं तो ये होगा है कि आपने अगर सिस्टम नहीं बनाया, एक मोहल्ले के अंदर अगर 10 लोग गरीब हैं और उस मोहल्ले के अंदर 50 लोग अमीर रहते हैं, सब ज़कात देते हैं, तो अब ये होगा कि अगर आपने सिस्टम नहीं बनाया, सब अपनी अपनी मर्ज़ी से उसको देने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके अंदर एक ही आदमी को उस 50 में से 25 लोग एक ही को दे जाए और बाकी 9 के हिस्से के अंदर फिर वो 25 जने बांटे किसी के साथ। हो सकता है पूछे ही नहीं, बोले यार इसके करीब था इनने दे दिया होगा, लेकिन उसने उससे सोचा कि यार ये तो थोड़ा ठीक है उसको दे दूँ, और पता चला कि सभी एक के पास में चली गई। तो इसके लिए सिस्टम बनाना ज़रूरी है, और ये ऐसा हुआ भी है। एक बार एक तकरीबन अभी से 2 साल पहले की बात है, मैंने एक जो बच्चा था तो बीमार था, बच्चे 2-3 एक घर के अंदर बच्चे थे, वो बीमार थे, उनको अलग मुख्तलिफ बीमारियाँ थी, तो गरीब था। मैंने उसके बारे में बताया कि भाई इस आदमी को पैसे की ज़रूरत है, इसके देखो 3 बच्चे बीमार पड़े हैं और आदमी मजदूरी करता है, उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, तो इसकी मदद की जाए। अब हुआ क्या उसके अंदर के, क्योंकि सिस्टम था, लेकिन वो सिस्टम से नहीं जुड़े, वो मेरे पास में नहीं आए कि इनको आप दे दो, उन्होंने क्या किया अपनी मर्ज़ी से कहाँ रहते हैं तो वो एड्रेस पूछा और वो सारे के सारे लोग वहाँ चले गए उसके पास में, और उसी को बहुत सारा दे दिया, एक ही आदमी को दे दिया। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? सिस्टम होना चाहिए ताकि सिस्टम से उनको मालूम हो क्या है 10 को देना है, आज इसको दिया था कल इसको देना है, सबके पास बरोबर जाए, इसलिए इसका सिस्टम बनाना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो दी गई, जैसे नमाज है तो 5 वक्त वाली
نماز وہ اپنی جگہ ہے لیکن وہ بھی ایک نظام کے لیے کہا گیا کہ نظام بنانا اس کے لیے ضروری ہے. تو زکوٰۃ بھی وہی ایسے ہی ایک سسٹم ہے جس سے معاشرے کے اندر ارتقا ہوتا ہے. یہ زکوٰۃ جب جاتی ہے اور جب سسٹم بناتے تو اس کے ذریعے لوگ ترقی کرتے ہیں, ان کے اندر ترقی آتی ہے. تو یہ ہے. ایک اور جگہ اللہ نے کہا سورہ لیل کے اندر اللذین یوتی ما لہو یتجکا, کہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اس کا اور انسانیت کا ارتقا ہو. اب یہاں بھی وہ والی بات نہیں ہے کہ زکوٰۃ سے یہ پاک ہو رہا ہے, یہ کہ مال دیتا ہے تاکہ جو ہے اس سے معاشرے میں ارتقا ہو, معاشرے کے اندر لوگ ترقی کریں. تو ایک معنی اس کا یہ بھی ہے. اور ایک قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 39 میں فرمایا کہ اور جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے, سو اللہ کے یہاں وہ نہیں بڑھتا. اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو جس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو, تو سو یہی لوگ ہیں جن کا مال جو اپنا مال بڑھاتے ہیں. تو یہ مال بڑھاتے ہیں. تو یہ کون سی والی, یہ دینے والی زکوٰۃ کی بات. اور وہاں جو میں نے دو آیتیں رکھی یہ والی بات ہے, ترقی کرنا, بڑھانا, سسٹم قائم کرنا والی بات. تو یہ بھی اپنی جگہ قرآن کے اندر ہے اور وہ بھی اپنی جگہ ہے. تو دونوں کا معنی یہ. تو قرآن میں کئی جگہ پر یہ فرمایا گیا کہ, لیکن اس کا بھی کئی لوگ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کا بھی انکار کرتے ہیں, نہیں نہیں وہ زکوٰۃ سے مطلب 2.5% دینا نہیں ہے, سسٹم قائم کرنا ہے, عدل پر نہیں رہے وہ, صرف اسی میں لگ گئے کہ نہیں وہ سسٹم قائم کرنے کا مطلب ہے, یہ دینے وینے کا کوئی مطلب نہیں ہے, اس زکوٰۃ نہیں دیتے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, اس کے تو کم ہے لیکن ہے, کچھ پرسنٹیج ان کی تعداد ہے, حالانکہ اتنی کم ہے کہ 1% بھی نہیں ہے, اس سے بھی کم ہے, لیکن انہوں نے کیا. اسی طرح جو حج کے تعلق سے فرمایا قرآن میں اللہ نے, یہ حج سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 28 سے فرمایا کہ لیسحدو وہ منافیہ لہم, کہ تاکہ اپنے منافعوں کا مشاہدہ کرے. اس سے پہلے کی آیت میں کہا گیا کہ حج کا اعلان کر دو, حج کا اعلان کیا گیا کہ حج تم پر فرض کیا گیا, تم حج کرو اور تم پر جو ہے حج فرض کیا گیا ہے. اور پھر اس کے لیے تو اعلان کیا گیا, پھر وہاں پہ بھی سسٹم قائم کرو کہ جو لوگ وہاں پر آئیں گے سواری پر پیدل چل کر آئیں گے, ان کے لیے نظام بھی قائم کرو. اور اس سے یہ کہا گیا تاکہ اپنے منافعوں کا مشاہدہ کرے. تو جب منافع ہوا ہے تمہارے یہ آنے سے, حج کرنے آنے سے, یہ منافع ہوا تو جو لوگ آ رہے ہیں تو تمہارے منافع کو دیکھیں, وہ دکھنا چاہیے کہ دیکھو یہ ہم کو منافع ہوا, یہ حج کا مطلب وہاں پہ ہونا تھا. تو دنیا کا فائدہ تو لوگ اب یہ ہے کہ حج اس لیے کر رہے ہیں بس ثواب کی نیت سے حج کرنے چلے گئے اور انہیں حج کر کر آ گئے, بس یہ کرتے جا رہے ہیں. اس کا معنی بھی تھا کہ سسٹم قائم کرنا تھا, اس کو بھی کہا گیا. اللہ نے اس کے تعلق سے جو اس کے ارکان میں شامل ہے کہ جب تم طواف سے فارغ ہو جاؤ, تمام ارکان صفا مروا کی تم نے صحیح کر لی, اس کے بعد میں پھر حج کے اندر 3 دن کا, 2 یا 3 دن کا مینا میں قیام ہے. تو قیام ہے وہاں پر, تو وہاں کہے گا وہاں کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو, صرف آپ کو نماز پڑھنا ہے اور ذکر اذکار کرنا ہے. تو لوگ وہاں پر تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے, وہ تو کرنا ہی ہے پابندی سے نماز اور اس کا, لیکن وہاں پر پھر وہ اب تک کب تک ایک آدمی ذکر کرے گا, کب تک تسبیح پڑھے گا, تو اس کے بعد تو کوئی کام ہے ہی نہیں, کچھ ارکان بھی نہیں وہاں پر, اور رہنا وہاں پر ضروری. تو پھر وہ وہاں سے بازار میں گھومتے رہتے ہیں, مینا بازار, تو وہاں پر اس کے اندر وہ پھر سیر تفریح کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. بلکہ وہاں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں پر تم جمع ہو, یہاں پر تم جمع ہو اور یہاں پر سے نظام قائم کرو. پوری دنیا کے لوگ یہاں پر جمع ہو رہے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا کو سسٹم کو چلانے کے لیے لوگوں نے, ہمارے پاس تو بنا بنایا نظام تھا, لوگوں نے سنیکت راشٹر ایک سستا بنائی تاکہ پوری دنیا کے لوگ وہاں پر سال میں جمع ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں غربت ہے, ان کی غربت دور کی جائے, کیا ادھیکار ہے لوگوں کو وہ دلائے جائیں, کہاں پر جو ہے جاتی ہو رہی ہے اس کے خلاف جو ہے قدم اٹھائے جائیں, تو وہ لوگ کر رہے ہیں. تو ہم کو یہ دیا گیا تھا کہ مسلمان ہو تم یہاں پر جب جمع ہو یہ حج پر, پوری دنیا کے مسلمان, تو یہاں سے ایک نظام بناؤ, ایک سسٹم بناؤ, کچھ قوانین بناؤ اور اس کو لے جاؤ پوری دنیا میں امپلیمنٹ کرو. یہ ذکر تھا, مینا میں بیٹھ کر صرف وہی نہیں کرنا تھا, ایک سسٹم بنانا تھا کہ پوری دنیا کا نظام چلے. اور یہ اب جس وہ نہیں, اس کو ہم نے سمجھا نہیں ویسا, تو اس کا خامیازہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہے ہماری مسلمانوں کی کیا حالت ہے. ایک ہمارا ملک جو ہے سدھرا بنی, سب کے حالات بدتر ہے, اس کی وجہ سے کہ ہم کو اتنا بڑا دیا گیا, جب لاکھوں لوگ جمع ہو رہے ہیں وہاں پر اتنے سارے, تو ایک کتنا بڑا نظام ہو جاتا. وہاں چند لوگ آ رہے ہیں, کچھ دیشوں کے 50-60 دیشوں کے لوگ آ رہے ہیں, وہ پوری دنیا کے اندر نظام کو قائم کر دیتے. تو ہمارے پاس تو لاکھوں آ رہے ہیں وہاں پر, ہر ملک سے آ رہا ہے, پوری دنیا کے مسلمان آ رہے ہیں. تو وہاں سے سسٹم بننا تھا لیکن وہ سسٹم بنا ہی نہیں, انہوں نے جانا ہی نہیں کہ وہ کس لیے کہا گیا تھا وہاں پر نظام. وہ بھی ایک نظام کا سسٹم تھا, وہ ایک حج اپنی جگہ وہ اپنا ہے, لیکن وہاں پر کسی سسٹم لے جانا تھا. اب اس کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے, تو کرے کیا, یہ امریکہ نے انگلش بولتا ہے, وہ عربی بولتا ہے, وہ اردو بولتا ہے, بنگالی بولتا ہے, یہ اسپینش بول رہا, تو وہ کرے کیا.
लेकिन ये उस ये तो ऐसा भी नहीं था कि उस वक्त भी था, साहबा के दौर में भी आते थे और ये सब समझते थे, एक दूसरे से ट्रांसलेट करा के बात कर लेते थे, वो फिर वहाँ से साहबा एक निज़ाम भेजते थे। इसकी वजह से तो दीन पूरी दुनिया के अंदर फैला है। हमने उसको समझा ही नहीं कि दीन फैला कैसे। दीन तो हम ये समझते हैं कि बस ये तो हमने जंग जिहाद से फैला लिया, ये इन सिस्टमों से फैला है कि वहाँ पर आते थे साहबा और अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से आता है। जैसे ही कोई आता था वहाँ पर, एक ग्रुप आता था, अल्लाह के रसूल दावत के लिए दौड़ा करते थे उनके पास। तो ये इस वजह से सिस्टम कायम हुआ, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैला है, क्योंकि उन्होंने उसको समझा था। जैसे ही वहाँ पर लोग आते थे तो उनको वहाँ पर एक मंसूबा, एक उनको निज़ाम कायम करके देते कि तुमको ये करना है और अगले साल आकर रिपोर्ट देना है क्या हुआ। फिर वो आते थे ये फला किया। तो इस तरह से हमारा दीन फैला, ये सब चीज़ों के इससे फैला। तो साहबा ने किया तो फिर ये नहीं कि जो है ये हमारे पास में जो ज़ुबान से नहीं आया, आज तो हमारे पास में गैजेट्स है। आज मक्का के अंदर अरबी के अंदर खुतबा होता है और वहाँ पर हर आदमी जो बैठा है सुनना चाहता है तो उसको ऐसे गैजेट्स दिए जाते हैं जिससे वो लगाता है तो हाथों हाथ ट्रांसलेशन होके, हिंदी जानता है, उर्दू जानता है, इंग्लिश जानता है, तो हाथों हाथ ट्रांसलेशन करके उसके सुन ही देता है वो क्या बोल रहे हैं उसी वक्त। आज तो गैजेट्स हैं, तो ये तो आज हमारे पास में उजर भी नहीं रहा कि एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते, लेकिन समझी जा सकती है इसके अंदर। तो ये तो है। तो हमने सिर्फ क्या करा कि इन अरकानों को सिर्फ इबादत तक रख दिया कि ये सिर्फ इबादत है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो असल में ये क्या है कि निज़ाम है और इसमें दोनों चीज़ें मुराद हैं। ऐसा नहीं कि फिर एक तरफ चले गए, जैसे एक पूरा फिरका एक तरफ ही चला गया, बोले इसका ये वाले हो ही नहीं जो तो लोग करते हैं मुसलमान, एक जो इसी पे टिक गए कि बस यही है सब, इसका मतलब दूसरा नहीं है। लेकिन इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को साथ में बैलेंस रख कर चलना है। अब ये रोज़े का इसका माना क्या होता है? रोज़े का जो है असल ये माना तो इसका होता है कि बचना, रुकना, एक ख़ास वक्त के बीच में बच जाना, रुक जाना, उसको बोलते हैं रोज़ा, सोम। और हालांकि वो लोग जो इनकारी हैं तो वो इसको भी कहते हैं कि नहीं, यानी ये जो फ़िरका है अहले कुरान, अब वो क्या कहते हैं कि नहीं, ये हर बुराई से, ये रोज़े से मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है, इससे मुराद तो ये है कि हर बुराई से बच जाना, जिसको अल्लाह ने मना फरमाया वो रोज़े का मतलब, उसको रोज़ा कहते हैं, इसको नहीं कहते। ये भूखे रहने को रोज़ा नहीं कहते, नहीं रखते, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन हालांकि कुरान के अंदर सूरह बकरा की आयत नंबर 182 से लेकर 185 तक पूरा अल्लाह ने डिटेल बयान की। तकरीबन 6 आयत कुरान के अंदर है जिसके ताल्लुक से, रोज़ों के ताल्लुक से ही बताया, सारी तफसील उसमें बताई कि कैसे रोज़ा होगा, कब से शुरू किया जाएगा, सुबह की सफ़ेद धारी से शुरू किया जाए, कब उसको ख़त्म किया जाएगा, खाया नहीं जाएगा, मतलब उसमें सब तफसील बताई गई। उसके बाद तफसील का भी इनकार, तो फिर ये कौन से कुरान को मानने वाले हैं जो अपने आप को कह तो रहे हैं कुरान कि हम कुरान वाले हैं, लेकिन अभी उसकी भी तफसील भी नहीं। तो फिर वो कहते हैं कि ये वो रोज़ा ही नहीं है, ये तो फिर जो है जो मुसलमान रखते हैं। तो रोज़ों का भी जो मकसद था, सिर्फ ये मकसद नहीं था इसका कि सुबह शाम भूखे रह लिया और कुछ बुराई से अपने आप को बचा लिया तो फिर ये रोज़ा हो गया, तो इसको हम काफ़ी समझते हैं। रोज़े के मकसद कुरान में अल्लाह ने अगर गौर फिक्र करेंगे तीन जो है मकसद बताए कि तीन मकसद है रोज़े जो अल्लाह ने ये कुरान में फरमाए कि तुम अगर ये रोज़े रखोगे तो क्या होगा इससे, इससे होगा ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, एक मकसद तो ये अल्लाह ने फरमाया कुरान के अंदर। दूसरा मकसद यह है कि ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई जाहिर करने वाले बन जाओ, ये भी रोज़े का मकसद। वो इसी तरह जो फरमाया ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ, ये तीन मकसद थे रोज़ा रखने के, रोज़ा इसके बाद ये रोज़ा होगा ताकि तुम में तकवा पैदा हो जाए। अब तकवा सिर्फ डरना नहीं होता, हमारे यहाँ तकवे को सिर्फ इतना सा कर लिया जाता है कि डर, हालांकि डर के लिए कुरान के अंदर दूसरे लफ्ज़ हैं, खशियत को बोलते हैं, डर कुरान के अंदर है कि जो खशियत इख्तियार करते हैं वो डर। तकवे का माना भी डर एक मफहूम में उसका वो भी निकलता है, लेकिन ये डर वो वाला डर है, इसको अलग तकवा जो है अलग, इसका बड़ी तफसील है, इसको एक पूरे दर्ज की ज़रूरत है कि हम तकवे को समझे कि तकवा ही क्या। लेकिन जो मुख्तसर में ये है कि तकवा उसको कहते हैं कि मोहब्बत इतनी हो जाए, शदीद मोहब्बत किसी से आदमी को, शदीद मोहब्बत हो जाए। अब इसकी मिसाल देनी पड़ेगी, मिसाल अच्छी नहीं है ये, लेकिन इसके अलावा दूसरी मिसाल से समझ में नहीं आती ये बात कि एक माशूक और जो है लड़का लड़की एक जो मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत अगर उसको शदीद मोहब्बत उससे हो जाए, और किसी कई किस्से हमारे मशहूर, तो उसको मोहब्बत शदीद हो जाती है, तो फिर जब शदीद मोहब्बत हो जाती है तो उससे उसको डर लगता है कि मैं कुछ इसके लिए तोहफ़ा ले जाऊं, बाजार में तोहफ़ा लेने जाता है तो वो ढूंढता है और हर बार सोचता है कि कहीं इसको दे दूँ तो नाराज़ तो नहीं हो जाएगी, ये नाराज़ तो नहीं हो जाएगा। तो उसको लेने के बावजूद, पैसा खर्च करने के बावजूद भी डर कि इसको पसंद नहीं आया तो,
ये डर, तो ये तकवे का मतलब होता है कि हमने ये सारी इबादतें अल्लाह के की, उससे मोहब्बत में की और हम अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, ये डाले डर को तकवा कहते हैं। ये मुख्तसर जो है इसका तकवे का माना है। तो ये है कि अब उनके अंदर तकवा आ जाए, तकवा पैदा हो जाए। अब ये सोचने की बात तो है कि मुसलमान बरसों से रोज़े रख रहे हैं, कोई 50 साल से रोज़े रख रहा है, कोई 20 साल से रोज़े रख रहा है, कोई 10 साल से रोज़े रख गया, लेकिन तकवा कितनों में आया? मकसद तो ये बताया कि तकवा आ जाए, लेकिन तकवा आया कितनों के अंदर रोज़ा रखने से? तो तकवा नहीं आया। तो ये अहम बात है, कमी कहाँ है? तो तकवा नहीं पैदा हो रहा है तो फिर इसका फ़ायदा क्या है इस रोज़े का? मकसद तो इसका ये बताएगा, ये खूब भूखे रहने का मकसद नहीं, ये तो फाका है। फिर भूखे रहना फाका हो गया। अगर आपके पास में मकसद नहीं आ रहा उसका, तो फिर तो वो फ़ायदा नहीं। डॉक्टर कोई आपको एक दवाई लिखकर देता है कि दवाई से तुमको फ़ायदा होगा बीमारी के अंदर, अगर फ़ायदा नहीं होगा तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे भाई? नहीं लिखवा ले ज़्यादा से ज़्यादा, फिर भी नहीं फ़ायदा हो रहा उसके, ले लिया 5-7 दिन हो गए, बुखार आ रहा, हो जाना चाहिए था 2-3 दिन में, ठीक नहीं हो रहा है, फिर तो क्या करेंगे? डॉक्टर बदलेंगे। तो डॉक्टर बदलेंगे तो फिर यहाँ पर जब अल्लाह ने दिया है, दुनिया का रब्बे कायनात, पूरी कायनात का रब है, उसने कोई नुस्खा आपको दिया है और उस पर तब्दीली नहीं आ रही, और रोज़ा रखने का मकसद बताया फिर तब्दीली नहीं आ रही, बरसों से रखे जा रहे हैं, तो फिर ये भी बदलें? आपके अंदर नहीं आ रहा है, वो तकवा पैदा नहीं हो रहा जो उसका मकसद बताया गया, तो वो नहीं हो रहा तो फिर ये भी बदले? तो अगर आप कह रहे कि नहीं, यही रब है और यही सही है, यही हक है और ये नुस्खा बताए यही सही है, तो फिर हमारे अंदर उसको इस्तेमाल के अंदर हमसे गलती हो रही है, उसको चेक करना पड़ेगा कि हमने उसको सही इस्तेमाल नहीं किया। तो ये है कि हम फार्मूला तो सही है लेकिन सही कंटेंट हमने उसके अंदर मिलाया नहीं, क्योंकि दवाई के अंदर सही कंटेंट होना ज़रूरी है तब जाकर वो असर करती है, तो कंटेंट हमारा सही नहीं है फिर, तो फिर ये नहीं मिला है। तो फिर ये हम देख रहे हैं कि फिर नस्लें हमारी गुजर गई, हमारे दादा रोज़ा रखा करते थे, साल में 6 महीने रोज़ा रखा करते थे, हमारे वालिद रखा करते थे, हम रख रहे हैं, हमारे बच्चे रख रहे हैं, लेकिन नस्लें गुजर गई लेकिन कोई मुत्तकी नहीं हुआ इतनों के अंदर से, किसी के अंदर तकवा पैदा नहीं हुआ, तो फिर उसको तो कमी को तो तलाश किया जाएगा। एक बच्चा अगर स्कूल भेजा जाए, उसके लिए फिर ट्यूशन लगाई जाए, अलग अलग विषय की कोचिंग लगाई जाए घर पर, उसको और उसको पढ़ा जाए मजीद, और उसके बाद भी उसका रिजल्ट अगर वैसा नहीं आया, तो फिर आदमी सोचता है कि कमी कहाँ रह रही है, किस चीज़ में कमी आ रही है, चेक करना पड़ेगा। पैसा लगाने के बावजूद, इतना पढ़ाने के बावजूद उसके बाद रिजल्ट नहीं आ रहा, तो चेक करता है कि नहीं आदमी, डॉक्टर के पास चला जाता है, साइकोलॉजी डॉक्टर के पास में, क्या बच्चा कि इतना सारा खर्चा करने के बाद, सब करने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा। तो इस पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं हो रही कि हम सब सालों से रोज़े रखते आ रहे तो तकवा पैदा नहीं हो रहा, तो इसकी भी खोज करने की ज़रूरत है कि हम इसको ढूंढें कि क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सूरह बकरा 2 आयत नंबर 183 में, या अय्युहल लजीना आमनू कुतिबा अलैकुम अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लजीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, के ईमान वालो, रोज़े रखना तुम पर फ़र्ज किया गया था जिस तरह से तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज किया गया है, ताकि तुम में तकवा आ जाए, तकवा इख्तियार करो तुम, तो तकवा नहीं आ रहा है। फिर अल्लाह ने यहाँ फरमाया सूरह बकरा 2 आयत नंबर 185 में फरमाया कि वली तो कबीरु अल्लाह अला मा अदा हुकुम वला अल्लाकुम तशकुरून, और अल्लाह की दी हुई हिदायत और उस तरह की बड़ाई बयान करो और उसका शुक्र अदा करो। ये एक तो तकवा आ जाए, दूसरा मकसद, ये दो मकसद इसमें बताए इस आयत के अंदर, ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह की बड़ाई करना आ जाए, अल्लाह का शुक्र करना आ जाए, तो इसलिए रोज़े रखवाएं ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो। अब क्या सिर्फ अल्लाह की बड़ाई करते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान हम, तो क्या कि ना अल्लाह अकबर कह दो वो बड़ा हो गया? अरे कोई नहीं कहेगा तो भी बड़ा है वो, तो अगर पूरी दुनिया में कोई अल्लाह अकबर नहीं कहेगा तो भी बड़ा है वो, सिर्फ कह देने से बड़ा हो जाएगा वो, क्या आपने अल्लाह अकबर कह दिया, या आपने जो इसके लिए जुलूस में नारा लगा दिया अल्लाह अकबर, नारा है तकबीर अल्लाह अकबर, क्या उससे बड़ा हो गया वो कि जुलूस में आपने नारा लगा दिया? तो बस दोहराए जा रहे हैं, ये बैठ कर तस्बीह पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह की बड़ाई हो गई, ये अल्लाह की बड़ाई है। तो इसको समझाने कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और फिर एक आजमाइश के लिए उसको यहाँ पर दिया, अब उसके अंदर वो बगावत भी कर जाता है, मालूम होते भी कर जाता है कि अल्लाह ने पैदा किया, फिर भी उसकी कानून से बगावत कर जाता है। और अब फिर अल्लाह ने कहा कि ठीक है कर लो मुखालफत, तुमको इख्तियार दिया है, थोड़े दिन की बात है, कर लो थोड़े दिन, तो लेकिन अगर तुम उसके बंदे बन के रहो तो उसके निज़ाम को कायम करो,
और इंसाफ का निज़ाम कायम करो, ये बड़ाई करना है उसका। सिर्फ बैठ कर तस्बीह पढ़ लेना या कह देना, बोल देना अल्लाह अकबर, ये तस्बीह कर देना, ये नहीं होता, ये बड़ा करना नहीं होता। ये तो हम बरसों से कर रहे हैं लेकिन हमारे हालात नहीं सुधरे। उससे सुधरे क्या, हर आदमी कर रहा है जिक्र अज़कार हर नमाज के बाद में पढ़ रहा है, लेकिन उससे कोई हालात में तब्दीली आई क्या? नहीं आ रही है। तो असल क्या है कि उसके निज़ाम को कायम करना, उसके कानून को कायम करना है, ये बड़ाई, ये बड़ाई होती है, उसकी बड़ाई बयान करना है। तो उसके कानून में नहीं बनाएंगे तो फिर और अल्लाह के जो बताएं उसके कानून के तहत कानून बनाने पड़ेंगे, ये निज़ाम बनाना पड़ेगा, निज़ाम कायम करना पड़ेगा, तो उसकी बड़ाई है। उसके कानून को छोड़कर अपनी अकलों से अपने कानून बनाएंगे और जो दुनिया के अंदर लोगों ने बना के दिए उस पर हम चलते चले जाएंगे और उस पर खुश हो जाएंगे, उस पर रजामंदी कर लेंगे, तो फिर ये बड़ाई नहीं है, ये तो फिर बगावत की तुमने अल्लाह से, ये बगावत कि उसके निज़ाम को छोड़कर दूसरे, तो फिर और उसके बाद दूसरे के निज़ाम पर हम खुश हो जाएं, उसके लिए कोई जद्दोजहद कोशिश ना करें कि हमारा अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह का कानून कायम हो, उसके लिए कोशिश ना करें, उस पर राजी हो जाए, फिर कहें अल्लाह अकबर, कोई ज़रूरत नहीं है अल्लाह को तुम्हारे अल्लाह अकबर कहने की, कि वो बड़ा है, क्योंकि तुम दूसरे के निज़ाम पर कायम, तुम खुश हो अल्लाह की रजा में, उसके लिए कोशिश नहीं करो। तो फिर ये तो होगा कि जब हम कहें कि अल्लाह हमारी नहीं चलेगी, तेरी चलेगी जो तूने कहा है, तो ये बड़ाई बयान करना, ये अल्लाह की बड़ाई है। तो अब ये है कि अपने दिल के अंदर ये बड़ाई बयान करना है कि हमारे दिल में चाहे जितनी ख्वाहिश आ जाए हम उसको बाहर जाहिर नहीं करेंगे, चाहे शैतान कितना ही हमको बरगला रहा है, मुँह से नहीं निकालेंगे जो तेरे खिलाफ, ये बड़ाई बयान करना है अल्लाह की। तो बड़ाई बयान करना कि हम उसको यूँ ही समझते हैं कि सिर्फ अल्लाह अकबर कह देना, तस्बीहें पढ़ देना और अल्लाह अकबर, तो उसकी रजाई, उसकी रजा के लिए करना, तो ये खातिब तस्बीह करना, ये बड़ाई बयान करना नहीं है। तो वो तो बड़ा रहेगा ही, वो तो बड़ा है, अपनी जात से बड़ा है, जो उसको ना माने तो फिर ये कैसी बड़ाई है। उसको बड़ा मानना यानी उसके लिए कोशिशें करना, उसकी बात, उसकी बड़ाई को बयान करना दूसरों के सामने, उसके निज़ाम को कायम करना, उसके दीन को दूसरों तक पहुँचाना, उसकी अजमत को दूसरों तक पहुँचाना, ये बड़ाई कर बयान करना है। सिर्फ बैठ कर तस्बीह पढ़ना घर के अंदर, ये बड़ाई बयान करना नहीं, तो फिर बड़ा माना और दूसरों को भी रोका, उसके लिए कोशिश की हमने कि जो दूसरे निज़ाम में जा रहा है, दूसरे सिस्टम में जा रहा है, उसके लिए कोशिश की हमने इस दीन के लिए जो अल्लाह का दीन है, जो उसने पसंद किया है, तो ये फिर ये बड़ाई बयान करना। और ये कैसे होगा? ये रोजे से होगा, ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया। तो ये हुआ क्या, रोज़ा रखने के बाद में ये चीज़ आई क्या? तो नहीं आई, तो दूसरा मकसद भी हमने नहीं पाया फिर इसका, रोजे का जो मकसद था। अफ्तार पार्टी हो रही है, नेताओं को बुलाया जा रहा है, वो आ रहे हैं, और वो कौन आ रहे हैं? जो कानून बनाते हैं अल्लाह के खिलाफ कानून बनाते हैं, उनको बुलाए जा रहे हैं, उनके मुंह में निवाले ठूसे जा रहे हैं, कोई रोज़ा रख के नहीं आए, हो सियासत के लिए आ रहे हैं, वोट पाने के लिए आ रहे हैं, उनको और उस निज़ाम के उन कानून से हम राज़ी हैं उनको बुलाकर, तो फिर ये और उनको बदलने की हम कोई कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, उनके सामने अल्लाह के कानून को रख भी नहीं रहे, जो वो कह रहे हैं उनसे ही हमारा निज़ाम, हमारे सिस्टम में उसको बुलाया जा रहा है, पार्टी हो रही है और वो उनकी बातें, उनके कानून बताकर जा रहे हैं, हम राज़ी हो गए उसके ऊपर तालियां बजाकर, तो फिर ये रोज़े रख रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? फिर ये हमें पैदा हुआ हमारे अंदर नहीं हुआ, ये दूसरे निज़ाम पर आप राज़ी हो गए, तो फिर ये अल्लाह की बड़ाई बयान करना ही है, तो ये भी फिर रोज़े से नहीं आया हमारे अंदर, तो ये आना था रोज़े से। और रोज़े से क्या आना था, एक और चीज़ बताई गई, तो तकवा आना था, दूसरा कि उससे उसकी बड़ाई बयान करना आना था, तीसरा ये था कि ताकि तुम्हारे अंदर शुक्रिया आ जाए, शुक्र करना आ जाए, तो उसका शुक्र करना आ जाए, तो बस मुंह से कह दिया कि अल्लाह तेरा शुक्र है, वो क्या सिर्फ मुंह से ये कह देना अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर, ये शुक्रिया कलमात अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया हमने, तो क्या ये शुक्र अदा हो गया अल्लाह का? सिर्फ इतना सा कह देने से शुक्र हो जाएगा उसका? तो ये कह दिया, ये हो गया, तो शुक्रिया किसे कहते हैं? जुबान से कहने को नहीं कहते शुक्रिया, अमल से जाहिर होना चाहिए, उसको शुक्रिया कहा जाता है कि अमल से वो जाहिर हो जाए। ना शुक्री मत करना, ये शुक्र है, ना शुक्री ना करें, शुक्र करना है यानी उसकी ना शुक्री करना है, तो ये उसके खिलाफ है। तो किसी ने मिसाल के तौर पर किसी ने आपको एक तोहफ़ा दिया लाकर, एक फूलदान दिया आपको उसने अच्छा सा, और आपको दिया उसने लाकर, और उस ताकि ये है कि भाई तोहफ़ा है तो तोहफे की क्या किए जाए, इज्जत की जाए, उसने आपको तोहफ़ा दिया और आपने वो आपके घर में कभी आया बाद में, और आपने उसको जो है आपने ड्राइंग रूम के अंदर जहाँ आप बैठते हैं बैठक रूम के अंदर आपने उसको फूलदान को रखा, उस पर अच्छे जो है अपने फूल लगा कर रखे, वो आएगा तो क्या होगा? देखकर खुश होगा, हाँ वाकई में मेरे तोहफे की कदर की इसने,
खुश होगा वो, मन ही मन खुश। आप बोले नहीं, आपको बोल भी देगा, अरे आपने बड़ा अच्छा मेरा तोहफा अभी तक संभाल कर रख रखा है, आपने इसको सजा कर रख रखा है, आपने बड़ी कदर की इसकी, वो करेगा। लेकिन अगर उसके तोहफे को हम उसका इस्तेमाल करें, लेकिन असल मकसद क्या था उसका इस्तेमाल करने का, ताकि उसको सजाया जाए, उसमें फूल लगाया जाए, लेकिन उसका ही, क्योंकि अगर है तो चीज़ एक बर्तन वो, अब उसको हम हमारे घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा हमने उसको लेकर टॉयलेट में रख दिया ताकि ये यहाँ पर काम आ जाए, अब वो आदमी फिर आएगा आपके टॉयलेट में देखेगा, आप कहेगा इस्तेमाल तो किया, फेंका तो नहीं हमने इसको, लेकिन इस्तेमाल किया, लेकिन आपने गलत इस्तेमाल किया, उसका हक नहीं था, आपने वो इस्तेमाल किया उसका। फिर वो अगर आपको देख लेगा तो वो कहेगा तो नहीं आपसे, लेकिन कहेगा मन में, सोचेगा आज के बाद इसको कभी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, क्योंकि इसने क्या किया, कदर नहीं किया कि इस्तेमाल तो किया उसने, एक इस्तेमाल तो वो था कि उसको सजा कर रखता, दूसरा इस्तेमाल उसने अंदर टॉयलेट में कर लिया उसका, वो भी इस्तेमाल था, बर्तन था, इस्तेमाल हो गया उसके अंदर, लेकिन वो उसका असल हक नहीं था, उसकी कदर नहीं थी। तो असल ये है कि हम उसकी जो उसने दीन दिया है, उस रब ने, उस अल्लाह ने हमको जो दीन दिया है, वो नेमत का सही इस्तेमाल हो, अगर उसकी नेमत का सही इस्तेमाल नहीं किया तो उसकी कदर नहीं किया, तो उसने जो नेमत दी उसका सही इस्तेमाल भी होना चाहिए, तो फिर उसकी कदर की हमने तो और ये करेंगे तो अल्लाह ने तो कुरान में लाजिम कहा कि अगर तुमने हमारी नेमत की नाकदरी नहीं की और उसकी कदर की है तो नेमतें तुम्हारी बढ़ेगी, लाजमन बढ़ेगी, बढ़ना ही है। अब हमारी नेमत नहीं बढ़ रही और अल्लाह ने तो कहा कि शुक्र करो मेरा तो और बढ़ा के दूंगा, अब हमारे पास में नहीं बढ़ रही हमारी नेमत, तो सिर्फ हम चीज़ों को दोहरा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह तेरा, शुक्र के कलमात कह रहे हैं, सिर्फ उसको दोहरा रहे हैं। दोहराना भी जरूरी था, और किस लिए था दोहराना जरूरी, दोहराना इसलिए ताकि तुम्हारे दिल में अच्छी तरह बैठ जाए, ये जिक्र अजकार इसलिए दिए गए हमको ताकि तुम्हारे दिल के अंदर बैठ जाए कि कैसा उसको शुक्र करना है, क्या नेमतें हैं उसकी, तो इसके लिए दिया गया था। तो जिक्र अजकार इसलिए दिए गए हमको, जिक्र अजकार दिए गए नमाजों के बाद हम पढ़ते हैं, नमाज जिससे फारिग होते हैं उसके बाद अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है वो मैं उससे माफ़ी तलब करता हूँ, वो बड़े के अंदर ये सारे मफहूम आ गए, मुख्तसर मैंने रखा ये बड़ा, ये उसके फिर हम अल्लाहुम्मा अंतस सलाम मिनकस सलाम तबारकता जलजलाली वाल इकराम, कि अल्लाह तू ही सलामती वाला है, तेरी तरफ सलामती है, तू बहुत बाबरकत है, बड़ी शान और इज्जत वाला है। ये अजमत पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ये दोहराने के लिए नहीं कि आप दो रहे, और पढ़े ही जा रहे हैं, लिखे हुए हैं मस्जिदों के अंदर अस्कार नमाज के बाद के, दोहरा रहे पढ़ रहे हैं, उसके माने मालूम नहीं, माने मालूम नहीं तो सिर्फ वो क्या हो गया कि सिर्फ जुमलेबाजी हो गई, वो तो जुमला हो गया सिर्फ, हम उसको रट लिया, हम उसको दोहराए जा रहे हैं, माने मालूम नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्नी व आला जिक्रिका व शुक्रिका हुस्नि इबादतिका, कि अल्लाह तू अपनी याद में मेरी मदद फरमा, और जो है अपने शुक्र पर अच्छे तरीके पर इबादत मेरी तेरी इबादत करने की मुझे तौफीक अता फरमा, ताकि मैं तेरी अच्छी तरह से बात कर इबादत कर सकूँ। ये बात हम अल्लाह से कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा ला मनिया लिमा अतैता वला मुआतिया लिमा मनअता वला यनफू जल जद्दी मिनकल जद, क्यों अल्लाह वो हो कि अल्लाह उस चीज़ को, ये अल्लाह उस चीज़ को कोई रोकने वाला नहीं जिसे तू अता करे, और जिस चीज़ को तू रोक ले उसे कोई देने वाला नहीं, वो किसी भी साहिब हैसियत की उसे कोई हैसियत फ़ायदा नहीं दे सकती, चाहे दुनिया में कितना बड़ा। ये अजकार हमको सिखला रहे हैं, हमको ये बता रहे हैं कि क्या है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये बुराई से बचने की हिम्मत ना, नेकी करने की ताकत हम में नहीं है मगर अल्लाह की तौफीक से, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हम तेरी इबादत करते हुए तेरी तरफ इनाम है, और उसी के लिए फजल होते जो है सबसे बेहतरीन सना तेरे लिए है, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और उसी की बंदगी खालिस करना है चाहे काफिर को कितना ही बुरा क्यों ना लगे, बंदगी करना है। तो ये सब हमको अजकार दिए गए ताकि हम इसको वो करें, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर ये भी दिए गए हमको, लेकिन हमको इसके एक फ़ायदे हमने ये ले लिया सिर्फ कि इससे गुनाह माफ़ हो जाए हमारे समुद्र के झाग के बराबर, बस इसलिए वो कर लिया, तो फिर आदमी सोचता कि अरे माफ़ तो करवा लिए, अगली नमाज में कौन जाए, हो गए माफ़, इस नमाज के बीच के अंदर गुनाह माफ़, तो क्या अब जाने की ज़रूरत, इस जुमे से उस जुमे के बीच के गुनाह माफ़, तो बोले अब जुमे जुमे जाया करेंगे, साल भर में एक रोज़ा रख लो, पिछले साल के एक गुनाह माफ़, अगले साल के एक गुनाह माफ़, सारे गुनाह माफ़, तो फिर क्या ज़रूरत है फिर रोज़े रखने की, एक ही रख लिया करेंगे। तो ये जिक्र अस्कार हमको, इसको माने मफहूम इसके हमको मालूम होने चाहिए थे, और ये उसकी जो है बड़ाई बयान करना था, उसका शुक्र बजा लाना था। तो ये चीज़ें कैसे पैदा होंगी, तो ये पैदा होंगी रोज़े से पैदा होगा, ये तकवा रोज़े से पैदा होगा। तो अब रोज़े से ना तकवा पैदा हुआ, ना रोज़े से बड़ाई पैदा हुई, ना रोज़े से शुक्रगुजारी पैदा हुई,
तो फिर हमने उस मकसद को पाया ही नहीं। फिर हम क्या कर रहे हैं कि अब फिर हम समझे ही नहीं। तो अगर शुक्र करते और नेमतें ही आती, अब वो नेमतें नहीं आ रही है और इसमें कमी आ रही है, वो नेमतें आ रही है, नेमत आती तो हम तो फिर दुनिया में गालिब होते। नेमत से क्या होता है, इंसान ऊपर उठता है, तो हम नहीं हो रहे तो फिर किस जगह है, और फिर ये क्यों नहीं हो रहा था, ये ढूंढने की ज़रूरत है। इससे तो होना था, लाजमी था, नहीं तो फिर वो बात जो आपको मैंने बताई, फिर नुस्खा सही है, डॉक्टर सही नहीं है, फिर चेंज करो, नहीं हो रहा था, फिर ये होना चाहिए था, ये होगा तो फिर होगा। तो ये है कि वो नुस्खा सही है तो हमारा तरीका सही नहीं है लेने का, तो तरीका हम सही करें। और नमाज़ के लिए भी कहा गया, नमाज़ के लिए भी कहा गया कि तमाम बुराई को रोक देगी। अब नमाज़ पढ़ रहे हैं, पांच वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, मोहल्ले वाले गवाही दे रहे हैं कि 20 साल से पांच वक्त की नमाज़ हमारे सामने निकलता है, लेकिन इसके मामला दुकान के अंदर सही नहीं है, झूठ बोलता है, मिलावट करता है, लोगों को गाली देता है, पड़ोसियों से लड़ता है, तकलीफ़ देता है, तो कोई बुराई नहीं जा रही है, तो वो लोग क्या गवाही दे रहे हैं फिर, उसके अंदर से बुराई नहीं निकल रही, तो फिर ये उसको सोचने की ज़रूरत है कि इससे तो निकलनी लाजमी, अल्लाह ने जब फरमाया कि बुराई जाएगी नमाज से, वो नहीं जा रही है, बुराई आपके अंदर बसी हुई है, तो फिर आपने नमाज के मकसद को भी नहीं पाया, मकसद के लिए दिए गए, तो फिर ये गौर करने की ज़रूरत है कि तब्दीली नहीं आ रही, तो तब्दीली आ रही तो फिर यह अल्लाह ने फरमाया सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में फरमाया शेरुर रमज़ान अल्लज़ी उंजिला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, यानी कि रमज़ान का वो महीना है जिसमें हमने कुरान को उतारा, कुरान को हमने नाजिल किया जो लोगों के लिए हिदायत है, और जिसमें रहनुमाई करने वाली वाजे निशानियां हैं, और जो हक और बातिल को फ़र्क करने वाला है, वो पस तुम में से जो कोई भी इस महीने को पाले तो उस वो रोज़े ज़रूर रखे। बार बार सुना हमने, हमारे सामने आती है, हर रमज़ान के अंदर दोहराई जाती पड़ जाती है। अल्लाह ने यह कहा कि इस रमज़ान के अंदर हमने कुरान को नाजिल किया, जो क्या है, फुरकान है, फ़र्क करने वाला है हक और बातिल के बीच में, ये फ़र्क करने वाला है। वो फ़र्क उसको कहते हैं अरबी जबान के अंदर, फ़र्क करना है फुरकान उसको कहते हैं कि जब मांग बाल के अंदर हम मांग निकालते हैं, ऐसी मांग निकालना सीधी ताकि एक बाल इधर का उधर और इधर का उधर ना हो जाए, उसको कहता है फुरकान, फ़र्क करना, इसको कहा जाता है वो, ये फ़र्क। तो हक और बातिल को हमने ऐसे कर दिया कि बाल बराबर भी इसके अंदर शामिल नहीं है, इस तरह से हमने कुरान के ज़रिए से फ़र्क कर दिया, ये फुरकान, ये अल्लाह ने यहाँ फरमाया। तो इसके अंदर यह है कि इसके अंदर कुछ ऐसा भी शामिल ना हो कि बाल बराबर भी एक बाल इधर और एक बाल इधर हो जाए, इसको बोलते हैं फ़र्क करना। तो कुरान नाजिल किया जो फुरकान है इसलिए कि, तो इसलिए क्या करो, तुम रोज़े ज़रूर रखो। अब ये कहा गया कि इसमें हमने कुरान को नाजिल किया इसलिए तुम रोज़े रखो, तब इसलिए लिंक क्या है दोनों का, क्यों कहा गया है कुरान के साथ में कि कुरान हमने नाजिल किया तो इसलिए रोज़े रखो तुम, इस बात का ताल्लुक कुरान से है, और इस महीने का ताल्लुक जिहाद से है रमज़ान का, और इस जिहाद का ताल्लुक कुरान से है। पहली रोज़े जब फ़र्ज हुए, सबसे पहले जब यह आयत नाजिल हुई थी, रोज़े फ़र्ज हुए, जंगे बद्र हुई, 17 रमज़ान के अंदर ये पेश आई जंगे बद्र, उस शदीद गर्मी के अंदर, और इस जिहाद को अल्लाह ने वहाँ पर रखा है रीति दुनिया के तक, इसके अंदर निशानी है हमारे लिए, अल्लाह ने इसको जंग को वहाँ पर, उनको भी यकीन नहीं था जंग हो जाएगी, तैयारी से नहीं गए थे, लेकिन ये जिहाद हुआ, ये जंग हुई, ये जिहाद हुआ है। तो ये जो है इस जंग का ताल्लुक इस महीने से है, और इसका ताल्लुक, इस महीने का ताल्लुक जिहाद से, और जिहाद का ताल्लुक भी कुरान से, तो ये है। तो इसलिए कुरान का ताल्लुक जिहाद से, जिहाद हम लड़ाई को समझते हैं सिर्फ कि भाई जंग जिहाद, यानी ये जंग जिहाद जो हथियारों से लड़ी जाती है, ये इस जिहाद का एक छोटा सा हिस्सा है, वो भी उस शर्तों के साथ में है, उसकी भी शर्तें हैं, बगैर शर्तों के नहीं, खास मौक़ों पर लड़ी जाएगी। कुरान के अंदर तीन बताई गई, तीन वजह से वो जंग लड़ी जाएगी, चौथा कोई मसला नहीं उसके अंदर लड़ने के लिए। तीन मकसद बताए गए कि वो जंग जिहाद वाली, जो जंग हथियार वाली तीन मकसद है उसके, एक ही इसलिए लड़ी जाएगी कि कोई आप पर जुल्म करे, वो कोई आप पर हमला करे, बचाव के अंदर, सेफ्टी के अंदर जंग लड़ी जाएगी। दूसरी जंग कि कोई किसी को पर जुल्म करता है, चाहे आप पर कर रहा हो या दूसरे पर कर रहा हो, चाहे उस मुल्क से आपका ताल्लुक नहीं है, लेकिन कोई अगर जुल्म कर रहा है तो आपको उस मुल्क से जो उस पर ज्यादति कर रहा है उससे जंग करनी पड़ेगी, ये एक जंग है उसके अंदर, ये जंग बताई गई। तीसरी जंग जो हमको बताई गई उसके अंदर ये तो फ़र्ज रखी गई कि आपके ऊपर कोई हमला करे तो आप जिहाद करो, जंग करो,
ایک یہ ہے کہ کوئی دوسروں پر ظلم کر رہا ہے تو وہ بھی فرض ہے آپ کے اوپر. قرآن میں خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کیا تم کھڑے کیوں نہیں ہوتے جب یہ بچے اور یہ بدھوا یہ اوڑھتے تم کو پکار رہی ہے, تم اٹھتے کیوں نہیں ان کے لیے, جہاد کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس پر ظلم ہو رہا ہے, یہ اللہ کو پکار رہے. اس میں کچھ نہیں دیکھا جائے گا کہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے, ظلم جس پہ بھی ہو رہا ہے تو اس کے لیے خلاف کھڑا ہوا جائے گا. ایک جنگ. تیسری جو وجہ بتائی گئی وہ کنڈیشنل رکھی اللہ نے ہم پر چھوڑا خود کے اوپر کہ معاہدہ اگر توڑے تو جنگ, سورۃ توبہ کے اندر بتائی گئی. اس کے اندر اختیار دیا کہ چاہو تو جنگ کرو اور معاف کر سکتے تو وہ بہتر, یہ کنڈیشنل دی گئی. تو تین وجہ قرآن کے اندر جنگ کی بتائی گئی. تو یہ ہے, تو وہ خاص موقع کے لیے جو جنگ ہے قرآن کے اندر جو بتلائی گئی ہے وہ ہے, تو شرطوں کے ساتھ ہے. لیکن اصل جہاد کیا ہے؟ اصل جہاد جسے قرآن نے کہا وہ اصل جہاد کیا ہے؟ وہ اصل جہاد اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ فرقان, فرق کرنے والا سورہ سورہ فرقان, اس میں فرمایا آیت نمبر 52 کے اندر, فلا تُتِلْ کَافِرِينَ وَجِهَادِهُمْ بِهِ جِهَادَ كَبِيرًا, کہ تم کفر کرنے یا کفر پر اڑنے والوں کی پیروی نہ کرو بلکہ قرآن کے لیے ان سے زبردست جہاد کرو, قرآن کے لیے ان کی پیروی نہ کرو تم, اور تم اس کو جہاد کبیر کہا یعنی کہ بڑا جہاد کرنا ہے, بڑا جہاد اس کو کہا. کبیر کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو کبیر وہ بھی اللہ اکبر یعنی بڑا, کبیر یعنی بھی بڑا, لیکن یہ اس میں آتا ہے جیسے جمیل ہوتا ہے, جمیل جس کو کہتے ہیں تو جمیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت. لیکن وہ خالی خوبصورت نہیں ہے, جو لپا پوتی کر کے اپنے اوپر جو فیس پیک لگا کر اور پاؤڈر لگا کے خوبصورت بن گیا وہ جمیل نہیں ہے, جمیل اس کو نہیں کہتے. جمیل اس کو کہتے ہیں جو خوبصورت ہی تھا, جس کو خوبصورتی اللہ نے پیدا کیا, خوبصورت تھا, خوبصورت ہے, خوبصورت رہے گا, اس کو کہتا ہے جمیل, وہ جمیل ہے. تو یہ کبیر بھی وہی ہے کہ کبیر یہ ہے کہ یہ جو یہ ہمیشہ یہ بڑا ہے یہ والا جہاد, تو یہ کبیر جو تھا جہاد یہ بڑا تھا, وہ بڑا ہے اور بڑا رہے گا, قیامت تک بڑا رہے گا, اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ جنگ تو وقتی ہوتی ہے لیکن یہ زندگی بھر کا روز کا ہر لمحے کا جہاد ہے, وہ ہے قرآن کے ساتھ کرنا, قرآن کے ساتھ کرنا, قرآن سے کرنا, یہ بڑا جہاد ہے. وہ جنگ جو ہتھیار والی ہو تو وقتی ہوتی ہے, تین دن ہو گئی, چار مہینے ہو جائے گی, چھ مہینے ہو جائے گی, سال بھر ہو جائے گی, پھر اس کے تو قائم آ جائے گا. لیکن یہ جو ہے جد و جہد, یہ ہر لمحے زندگی کے اندر اس کو ہر مہینے ہر سپتاہ ہر روز ہر لمحے اس کو کرنا ہے قرآن کے ساتھ جد و جہد, سمجھنے کے لیے, غور فکر کرنے کے لیے, لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو یہ اس سے بڑا کام ہے, یہ بڑا کام ہے, یہ کرنا ہے. اور یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے تو یہ ہتھیار ہے, اسے لے جاؤ لڑو, اور خاص روزے کے ساتھ بھوک پیاس اور کے ساتھ میں اس کی تلاوت کرو, اس پر غور فکر کرو, تاکہ تم کے اندر پھر کیا آئے گا, پھر تقوا بھی آئے گا تمہارے اندر, پھر اس کی بڑائی بھی آئے گی, اس کا شکر کرنا بھی آئے گا, تم کو جہاد کرنا بھی آئے گا, اس کے ذریعے سے تم کو آئے گا. تو پھر غور فکر کرو گے تو پھر دعوت دو گے, یہ جہاد, یہ بڑا جہاد ہے. تو ہر سال رمضان میں روزے آتے ہیں, اللہ نے دیا تاکہ یہ روزے کا اثر 11 مہینے تک رہے تمہارے پاس, اور لیکن نہیں رہا تو پھر روزہ دیا تو پھر یہ کھانے پینے پہ کنٹرول اس لیے دیا گیا ہے, کھانے پینے پر کنٹرول آ جائے تمہارا, بھوک کو تم کنٹرول کر سکو. اور انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے, صبح کھاتا ہے شام کو پھر بھوک لگ جاتی ہے, کوئی تو تین تین بار کھاتے, کوئی چار چار بار کھاتا ہے, بھوک لگتی ہے اس کو, تو انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے. تو اس پر قابو آ گیا تمہارا, اب تم نے قابو پا لیا, روزہ رکھا تم نے, اب تم نے اس جو سب سے بڑی تمہاری چیز تھی بھوک اس پر قابو آ گیا, تو اب نکلو اس قرآن کو لے کر جہاد کرو, اب تم نے کنٹرول کر لیا اپنے اوپر, اب نکلو کرو. اور کیسا کرو کہ جیسا وہ کرنے کا حق ہے اس کے ساتھ جہاد کرنے کا. وہ پھر یہی بات واضح روشن آیت بتاؤ گے, واضح روشن صحیح بات اگر آپ غور تدبر کر کے غور فکر کر کے جو اللہ نے جیسا بتلایا ہے ویسا تم بتاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مصیبت آئے گی, پھر آزمائش آئے گی تمہارے پر, پھر مشکلیں آئیں گی اگر تم صحیح بتاؤ گے تو. اور اس کے بعد اگر یہ پیش نہیں آ رہی ہے, ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو, اور اگر مصیبتیں پیش نہیں آ رہی وہ لوگ کہہ رہے سبحان اللہ صحیح بات ہے ٹھیک ہے, تو پھر آپ نے قرآن کو نہیں سمجھا. کیونکہ یہ مشکلیں تو آئی تھی, ہر رسول کو آئی, ہر نبی کو آئی, ہر صحابہ کو آئی, جس نے بھی اس کو اٹھا کر اس کے ساتھ جہاد کیا, اس کے آئے تو دوسروں تک پہنچایا, تو ان پر یہ مصیبتیں آئی ہیں. جب وہ قرآن کو لے کر نکلے, اللہ کے رسول طائف میں گئے قرآن کو لے کر, مصیبت آئی, ہجرت کرنی پڑی مکہ سے ان کو, جب قرآن کی آیتیں انہوں نے پیش کی تو ان کو جو مدینہ جانا پڑا, اس کے بعد جب تک رہے اور صحابہ نے جب تک کیا لوگوں کے پاس میں پیش کیا, ان پر مصیبتیں آئیں, جانے گنوائیں اس قرآن کے لیے. اور اگر ہم اس کو پیش کر رہے ہیں اس کے بعد میں پھر اگر کوئی اس کو وہ نہیں ہو رہا ہے, مشکل نہیں آ رہی ہے, تو پھر ہم نے اس کو صحیح سمجھا نہیں,
मुश्किल आएंगी, आप इसको सही पेश करेंगे तो मुश्किल आएंगी। तो ये हमारे लिए आसानी आ रही है फिर, अगर हम इसको पेश कर रहे हैं और आसानी हो गई तो फिर हमने इसको सही गौर फिक्र नहीं किया, इसका हक अदा नहीं हुआ, क्योंकि ये तो इसका लाजमी जूज है, इसके साथ होना ही है। हम देखते आ रहे हैं मुसलमानों की हिस्ट्री, अंबियाओं की हिस्ट्री, रसूलों की हिस्ट्री, जब भी वो अल्लाह की आयत लाए तो उन पर मुश्किलें आई, और नहीं आ रही तो फिर आपको वापस गौर करने की ज़रूरत है। या अल्लाह ने फरमाया सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 57 में अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहन नास तजातुकुम मुअज्जतुम मिन रब्बिकुम वश्शिफा लिमा फिस सुदूर, के लोगों तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत और दिलों के रोग की शिफा तुम्हारे पास में आ गई है, ये तुम्हारे पास में आई है। तो ये ईमान वालों, ये मोमिनों, ईमानदारों, तुम हिदायत, तुम्हारे लिए ये हिदायत और रहमत है। तो ये तुम्हारे लिए जो अल्लाह की तरफ से आया है, ये तुम्हारे दिलों के अंदर जो बुक्स है उसको निकालेगा, और लोगों के पास जाओगे तो उनके अंदर जो कीने हैं उसको भी निकालेगा। लेकिन इंसान अगर उसके अंदर कीना जम गया, कीटा जम गया और आप उसको पेश करते हो, नहीं निकालता, ये मुश्किल आई, नहीं आ रही है तो आपने सही गौर फिक्र नहीं किया उसके ऊपर, यह आना है। आगे आयत नंबर 58 में फरमाया इसी के अंदर कुल भी फजलिल्लाही, के कह दो कि ये अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से है, सो उसी पर उन्हें खुशी जाहिर करना चाहिए, और ये उन चीज़ों से बेहतर है जो लोग जमा करते हैं, यानी दुनिया में जो लोग जमा कर रहे हैं उससे बेहतर है ये जो अल्लाह ने भेजा है हमारे पास जमा करने की चीज़, जो दुनिया के अंदर सोने चांदी घर मकानात ये सब जमा कर रहे हैं, उससे बेहतर है, वो जमा करना मना नहीं करो, लेकिन अपने मकसद को याद रखो, असल जमा क्या करना है तुम, तो वो जमा करना है, तो लोग जमा करते उससे बेहतर है। तो इसके लिए कहा गया है कि हमने जो अल्लाह की तरफ से ये जो कहा गया है फजल और रहमत आई है, इस पर क्या करो, इस पर खुशी जाहिर करो, खुशी मनाओ। ये कुरान के अंदर सिर्फ इसके लिए कहा गया है, कुरान की आयत के लिए, कुरान के लिए कहा गया है कि इसके लिए खुशी मनाओ, और किसी चीज़ के लिए नहीं कहा गया कुरान के अंदर, इससे खुशी मनाओ, तुम्हारे पास में आ गया खुशी मनाओ। वो कुरान आखिरी असरे में नाजिल हुआ रमज़ान के सूरह कद्र के अंदर फरमाया गया, और वो कद्र कहाँ आती है, आखिरी असरे के अंदर आती है, वहाँ पर यह नाजिल किया गया, तो उस रातों में नाजिल हुआ है। तो उन रातों के बाद क्या करना है कि वो रातें आ गई, तुमने उस रातों को भी उसका अहतमाम कर लिया, तो फिर क्या करना है, अब पूरी रातें होगी, रमज़ान ख़त्म हो गए, अब क्या करना है, खुशी मनाओ। क्यों मनाओ, ताकि कुरान नाजिल किया गया था, इसलिए खुशी मनाओ। वो एक और जगह कुरान में अल्लाह ने फरमाया सूरह माईदा सूरह 5 आयत नंबर 3 के अंदर, क्याल योम अकमल तो लकुम दीन अकुम व अतमम तो अलेकुम नहमती रजी तो लकुम इस्लाम दीना, कि हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और हमने इस इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया, तो तुम क्या करो। ये कुरान की आखिरी आयत थी, तब शुरू हुआ था, कहा था कि हमने रमज़ान में नाजिल किया, शुरू हुआ है रमज़ान के अंदर ये नाजिल होना, तो तुम खुशी बनाओ। अब ये ख़त्म हो चुका, अब ये पूरा हो चुका, अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया, अपनी तमाम नहमतें तुमको दे दिए, तो अब क्या है, दूसरे दिन फिर खुशी मनाओ। ये दोनों ईदें कुरान की वजह से है, एक जो शुरू हुआ था इस वजह से ईद मनाओ, और दूसरा ये कि फिर ये खत्म हुआ आखिरी आया, तो दूसरे दिन वापस से तुमको ईद मनाना है, अरफा के अंदर आयत नाजिल हुई थी, तो ये इस वजह से कि ताकि तुम ईद मनाओ। तो पहली ईद कुरान की वजह से, दूसरी ईद भी कुरान की वजह से, तीसरी कोई ईद नहीं, ये हमको दी गई कुरान की वजह से। तो ये नाजिल होना शुरू हुआ था तो ये गई थी, तो कुरान इसकी वजह बना है हमारे खुशियों की, दोनों ईदों की। और ये अजमत है कुरान की, क्या समझते हैं लोग कुरान को, कुछ भी अपनी मर्ज़ी से उसके बारे में कुछ भी बोलते हैं, कुरान की अजमत को पहचाना नहीं लोगों ने, कि तुम खुशियाँ मनाओ, जो कुछ किया गया इसके लिए किया गया, और रोज़े से तुम्हारे पास में नहीं आ रहा, रोज़ा जोड़ा गया कि रमज़ान में हमने कुरान को हासिल किया, इसलिए कुरान के आने के लिए तुम रोज़े रखो, और तुम्हारे अंदर ये चीज़ें आनी चाहिए, तकवा आना चाहिए तुम्हारे अंदर, जो है बड़ाई आना चाहिए रब के रब की, तुम्हारे अंदर शुक्रगुजारी आनी चाहिए, और फिर निकलना चाहिए इस कुरान को लेकर। तो ये सब कुरान से जुड़ा हुआ है, तो कसौटी ये चेक करेगा हर चीज़ को कि कौन सही कह रहा है कौन सही नहीं कह रहा है, ये दूसरी चीज़ें कुरान को चेक नहीं करेगी, ये चेक करेगा हर चीज़ को, कसौटी ये है, फुरकान ये है, ये फ़र्क ये करेगा, और फ़र्क उसे ही कहा जाता है कि जिसके अंदर बाल बराबर भी शक ना हो, तो ये फ़र्क करेगा और ये कोई दूसरी चीज़ नहीं करेगी। तो ये कुरान है, यह अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 10 में अल्लाह ने फरमाया लकद अंजलना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफला ताकिलून, हमने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा जिक्र है, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते, और तुम इसको बताते हो ये तो फला फला का बात है, ये तो फलाने की वजह से नाजिल हुआ, इससे तो ये हुआ, अपने लिए नसीहत हासिल नहीं करते, ये तो अल्लाह तुमसे कह रहा है कि तुम्हारा जिक्र है इसके अंदर, फिर तक काम तुम दूसरे को पर इसको फेरते फिर रहे हो, ये तो इसकी वजह से हुआ उसकी वजह से हुआ, ये तुम्हारा जिक्र है और तुम्हें अकल नहीं है, अकल इस्तेमाल करने की कुरान कह रहा है कि अकल इस्तेमाल करो। और कुरान ने तो ये भी कहा कि जिक्र तो वही करेंगे अल्लाह का जो अकल वाले हैं, बेवकूफ़ तो कर भी नहीं सकता अल्लाह का जिक्र,
अकल वाला ही जिक्र करेगा। कुरान ताकीद करता कि क्या तुम्हारे पास अकल नहीं है, तुम अकल का इस्तेमाल नहीं करते, तुम्हारे लिए इसको नाजिल किया गया। अल्लाह ने सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 71 में फरमाया, बल्कि हमने उनके पास उनका जिक्र पहुँचा दिया, लोगों के पास उन्हीं का जिक्र पहुँचा दिया और वो अपने जिक्र से मुँह फेरे जा रहे हैं। हमने लोगों के पास में उनका जिक्र, एक तो क्या तुम्हारा जिक्र किया, फिर कोई आकर बता रहा है कि देखो तुम्हारा जिक्र है, तो मुंह फेर रहे हैं, उससे पलट रहे हैं, बात को इनकार कर रहे हैं कि नहीं हमारे ताल्लुक से नहीं है, ये हमसे नहीं कह रही आया, ये तो फला फला हो गई थी, उनके लिए छोड़ दें, आपसे कुछ नहीं कह रही है। तो ये फरमाएगा कि फिर मुँह फेरे जा रहे हैं, जब कि हम कह रहे हैं कि तुम्हारा जिक्र है इसके अंदर, तो तुम्हारे लिए भेजा गया, फिर मुँह फेरते हो। अल्लाह ने एक और देखे कुरान में फरमाया सूरह 7 सूरह नंबर 38 आयत नंबर 29 में फरमाया, किताब अंजल ना हूँ इले का मुबारकन लियद बुरु आयाति ही, कि किताब जो हमने तुम पर नाजिल की है बरकत वाली रहमत वाली, ताकि लोग इसकी आयतों को गौर करें और अकल वाले नसीहत पकड़ें। क्या कहा गया कि हमने तुम्हारी तरफ जो कुरान भेजा है ये बरकत वाला है, और ताकि लोग इसकी आयत पर गौर करें और इससे अकल वाले नसीहत पकड़ें। कौन करें? सिर्फ आलिम करेंगे, मुहद्दिसीन करेंगे, वही करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे। ये तो अल्लाह ने इसीलिए कह दिया कि हमने कुरान इंसानों के लिए नाजिल किया, हर इंसान के गौर करने के लिए, कोई खास के लिए नहीं है, कैसे वही करेंगे, उनसे पूछा जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो, लेकिन गौर तो हर को करना पड़ेगा, फिक्र तो हर को करना पड़ेगी, वो गौर करेगा फिर पहुँचाएगा, और गौर करेगा तो क्या करेगा, अकल लगानी पड़ेगी, बगैर अकल के नहीं होगा। अल्लाह ने इसलिए अकल की बार बार ताकीद की है। सूरह आराफ में अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग चौपाए की तरह, जानवर की तरह, जो अकल का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उससे भी गए गुजरे, जानवर से भी गए गुजरे जो अकल का इस्तेमाल नहीं करते। और अल्लाह ने खुद कुरान के अंदर सूरह फुरकानी में फरमाया कि अल्लाह की आयत, जब अल्लाह की आयत लोगों को याददानी किया जाती है, सुनाई जाती है, तो वो अकल और अंधे और बेरे की तरह उस पर गिर नहीं पड़ते कि अल्लाह की बातें तो ले लो, उस पर भी गौर फिक्र करते। तो अल्लाह जब खुद की आयत के लिए कह सकता है कि इस पर गौर फिक्र करके ही लेना तुम मेरी बात भी, तो फिर दुनिया में कौन सी किताब बची जिस पर जो बगैर गौर फिक्र के लिया जाएगा, जब अल्लाह की बात को अल्लाह खुद कह रहा है कि उसको भी मत लो, तो फिर नहीं लिया जाएगा। तो ये गौर फिक्र हर को किया गया, सिर्फ खास नहीं किया गया कि वही करे, ये हर के लिए गौर फिक्र करे। अल्लाह ने एक और जगह फरमाया सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1 में फरमाया कि अलीफ लाम रा किताब अंजलना हो इले का ली तुखरिजी नास, के हमने ऐसी किताब नाजिल की जो लोगों के लिए, किसके, आवाम नास के लिए, लोगों के लिए हमने ऐसी किताबें नाजिल की जो अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाएगी, और उसकी तरफ से जो गलबे वाला है और खूबियों वाला है। तो ये कुरान जो है वाजे है, ये अंधेरे की तरफ नहीं ले जाता। लोग कहते हैं कुरान से लोग गुमराह हो जाते हैं, इसको पढ़ेंगे गुमराह हो जाएंगे, एक तो सिरे से इनकार करते हैं, पढ़ो ही मत, सिर्फ तिलावत कर लो काफ़ी है, मानने की जरूरत ही नहीं। एक दूसरे हैं जो कहते हैं कि नहीं इसको पढ़ा जाएगा, लेकिन इसका हमने जूस बना के किताब बना दी 2-4-5, इसके सारे फजाइल इसमें डाल दिए, इसको पढ़ लो हो गया, बस इसको पढ़ लोगे तो काफ़ी है, कोई ज़रूरत नहीं आपको उधर गौर फिक्र करने की, कर दिया ये इसका जूस बन गया। और अभी एक है कि वो कहते हैं कि नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कहते तो हैं पढ़ो, लेकिन पढ़ के अगर सुनाया जाए तो कहेंगे नहीं अपनी मर्जी से नहीं समझ सकते तुम, और कुरान कह रहे अकल लगाओ, वो कह रहे तुम नहीं समझ सकते, तो गोया कि सब रोक रहे हैं कुरान से, और अल्लाह कह रहा है कि रोशन है इसकी आयत है, और ये तुम्हें अंधेरे से लाजमी निकालेगी, तो रोशन आयत है, वाजे हैं, और अल्लाह ने कुरान में इसको कहा कि ये तो आसान है समझने के लिए, और इसको खोल खोल कर हमने बयान किया गया, कोई इसके अंदर वो नहीं क्या नहीं। और अल्लाह फिर ऐसी किताब देगा क्यों हमको, वो फिर उसी किताब का हमको इम्तिहान ले आखिरत के अंदर, तो ऐसी कोई चीज़ वो देगा ही नहीं जिसको हम एग्ज़ाम ना दे सके, जिसको हम समझ ना सके, तो उसको समझने के लिए हमको दिया है। तो ये रमज़ान में नाजिल किया गया और रोज़ा रखवाया ताकि तुमको प्रैक्टिस हो जाए, और प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर प्रैक्टिस पूरी हो जाए तो फिर कुरान को लेकर निकलो, इसके ज़रिए से तुम जो है जिहाद करो। और अगर इसको लेकर नहीं गए और फिर भी तुम रोज़े रखे जा रहे हो, कह रहे कि भाई पूरे महीने के रोज़े हो गए और उसका कुछ नहीं हुआ, ना तकवा आया, ना अल्लाह की बड़ाई बयान करना आया, ना उसका शुक्र करना आया, ना कुरान को समझना आया, ना उसको गौर करना आया, ना लोगों तक पहुँचाने आया, तो फिर हमने इसका मकसद नहीं पाया। तो ये तीन मकसद कुरान में जो बताए गए रोज़े के ताल्लुक से, कि रोज़े से तुम्हारे अंदर तकवा आना चाहिए, रोज़े के से तुम्हारे अंदर अल्लाह की बड़ाई आनी चाहिए, और रोज़े से तुम्हारे अंदर शुक्रगुजारी आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है तो फिर हमने उसको मकसद को नहीं पाया। और उसका जो असल जो
सोर्स है वो है कुरान, ये तुमको सब देगा। ये सारी चीज़ें तकवा भी पैदा करेगा, इसीलिए हमको रमज़ान में नाजिल किया, इसलिए रोजे रखवाए गए इसके नाजिल होने पर। ये तुम्हारे तकवा भी पैदा करेगा, ये तुमको बताएगा उसकी बड़ाई क्या है, ये तुमको बताएगा इसकी शुक्रगुजारी क्या है, तो फिर ये आएगा। अगर नहीं आया तो फिर हमको वापस से गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम गौर फिक्र करेंगे, ये हम फिर सालों से 20-20, 30-30 सालों, 50 सालों से रोजे रखते आ रहे, फिर ये चीज़ें नहीं आ रही है, तो फिर वो गौर करें कि क्यों नहीं आ रहा, ये गौर फिक्र की बात। तो ये चंद बातें थी इस उनवान के ताल्लुक से मैंने रखी। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ कहा और सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखे ईमान इस्लाम पर जिंदा रखे, अल्लाह जब मौत दे इस आलम में मौत दे, अल्लाह हम से राजी हूँ, अल्लाह से राजी हूँ। वाकिर दावाना अलहमदिल्ला रबीआलमी।